भैया ये जूते साफ हो जाएंगे? हाँ मैम, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है। पर ध्यान से करना, पूरे 80,000 के जूते हैं ये। मैम क्यों मजाक कर रही हो, इतने महंगे जूते आते हैं क्या? भैया इससे भी महंगे आते हैं, आप बस ध्यान से साफ करना। मैम आप एक काम करो, ये जूते कहीं और से साफ करा लो, मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, और वैसे भी मैंने इतने महंगे जूते कभी साफ नहीं किए, और कुछ हो गया तो मैं इसकी भरपाई भी नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया कुछ नहीं होगा, और वैसे भी ड्राई क्लीन वाले मुझसे 12,000 रुपए लेते हैं इस जूते के, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं एक हफ्ते के लिए इन जूते को वहाँ पे दूँ। आप इसे 10,000 में कर दो, मेरा टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी। 10,000 रुपए? मैम जूते साफ करने के इतने पैसे कौन लेता है? भैया इतने महंगे जूतों के इतने पैसे ही लगते हैं, आप 10,000 में कर दो ना। ठीक है मैडम। अच्छा थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? जी मैम। ये लीजिए मैम। अरे वाह भैया, आपने तो इन्हें बिल्कुल नया कर दिया। शुक्रिया मैम। ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 10,000 रुपए। नहीं नहीं मैम, मुझे इतने पैसे मत दो, मेरी मेहनत के 200 रुपए बनते हैं, आप बस वो दे दो। 200 रुपए क्यों? मैंने जब आपको 10,000 रुपए बोले थे तब आपने मना क्यों नहीं किया? मैम ये जूते 200 रुपए में ही साफ होते, तो मैं आपसे 10,000 रुपए कैसे ले सकता हूँ, आप बस मुझे 200 रुपए दे दो। देखो भैया ये जूते महंगे हैं, तो जितने में साफ होंगे उतने तो पैसे दूंगी ना, आप ये पैसे लो। पर मैम ये पकड़ो। दीदी एक तो आपने मेरे जूते उतरवा लिए, ऊपर से आपने 4,000 के जूते का 80,000 बता दिया उस मोची को, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी मदद करने के लिए। मदद? कैसी मदद? मैंने उसको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगे लेकिन सबने पैसे देने से मना कर दिया। तुम चिंता मत करो, मैं आज कैसे भी करके पैसों का इंतजाम जरूर कर लूंगा, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, तुम रो मत, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, पर आप उससे डायरेक्ट पैसे भी तो दे सकती थी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ताकि उसको ये लगे कि ये पैसे उसने मेहनत से कमाए, ना कि उस पर किसी ने एहसान किया है, और इससे वो अपनी बेटी के पास गर्व से भी जा सकेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मेरे जूते तो दे दो। ये ले, अब चले, मामा वेट कर रही होंगी। हाँ There are many hidden heroes in our society who are helping the needful without bragging about it. It's time to celebrate them. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.